आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। चंबा में बस चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बारिश से 1.5 करोड़ का नुकसान। बिना अनुमति से लगाए होर्डिंग्स किए जब्त। पॉलीथीन कचरा कम न होने पर जताई चिंता। और अब खबरें विस्तार से। चंबा तीसा मार्ग पर शनिवार सवेरे निजी बस की ब्रेक फेल होने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस को अनियंत्रित होता देख चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इसे पहाड़ी से टकरा दिया। पहाड़ी से टकराने के बाद बस के रुकने पर इसमें सवार लोगों ने राहत की सांस ली। घटना के वक्त बस में 50 के करीब लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार शनिवार सवेरे चंबा की तरफ से आ रही एक निजी बस की सटीक उतराई पर अचानक ब्रेक फेल हो गई। बस को अनियंत्रित होता देख सवारियों में अफरा तफरी मच गई, मगर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पहाड़ी से टकराकर खाई में गिरने से बचा लिया। इस दौरान मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। वन विभाग मंडी डिवीजन को भारी बारिश से करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। नालों में बनाए गए चेक डैम भारी बारिश से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह जानकारी DFO मंडी बासु डोगरा ने दी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से नेचर पार्क सहित फॉरेस्ट कॉलोनी में 7 आवासों में पानी घुस जाने से काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। इस बार का फायर सीजन अच्छा रहा और बारिश के चलते जंगलों में आग लगने की घटना कम ही पेश आई है। जैसे कि इस बार बाढ़ से काफी विभागों को नुकसान हुआ है, उसी प्रकार वन विभाग मंडी फॉरेस्ट डिवीजन में हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है फिजिकल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो कि फिजिकल लॉस है वो मेजरली हमारा JD नेचर पार्क जो कि बाढ़ में डूब गया था, और दूसरा कुछ हमारे फॉरेस्ट कॉलोनी के क्वार्टर्स, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कुल आंकलन जो है वो नुकसान का फाइनेंशियली 1.5 करोड़ का करके हमने जो है अपने डिवीजन का अपने हेड ऑफ दी फॉरेस्ट फोर्स को भी भेज दिया, और साथ ही साथ हमने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है ताकि इस नुकसान का जल्द से जल्द भरपाई हो सके और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वापस जो है सही कर सकें। जोगिंदर नगर नगर परिषद ने शहर में बिना अनुमति से लगे प्रचार होर्डिंग्स को हटाकर जब्त कर लिया है। यह मुहिम ब्रिज मंडी से गुगली खट तथा घरोड़ू तक चली। नगर परिषद के कर्मचारी रविकांत शर्मा की टीम ने सभी होर्डिंग्स को निकाला और गाड़ी में भरकर अपने साथ ले गए। वही कहा गया कि बिना अनुमति से लगने वाली प्रचार सामग्री पर नजर रखी जाएगी तथा कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ऊना जिला मुख्यालय के DRDA सभागार में शनिवार को SDM बिशप मोहन देव चौहान की अध्यक्षता में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बावजूद भारी मात्रा में पॉलीथीन कचरा पाए जाने को लेकर चिंता जताई गई। वहीं इस ठोस कचरा निष्पादन को लेकर अधिकारियों को भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला भर के सभी नगर पंचायतों सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों और विभिन्न पर्यटन स्थलों में कचरे के ढेरों को लेकर चिंता जताई गई। दरअसल इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत रासायनिक खाद बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके चलते विभिन्न विभागों की तय की गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश जारी किए गए। आज जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है बैठक यहाँ पे DRDA हॉल में की जा रही है, जिसमें कि मेन एजेंडा जो है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, जो किस तरह से पूरे ज़िले भर में हमारे MCs अर्बन बॉडीज़ और जितने भी रूरल बॉडीज़ के थ्रू वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट का प्रॉपर निष्पादन किस तरह से होना है, उस पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है और अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जितना भी सॉलिड वेस्ट जो हमारा पड़ा है उसके निष्पादन के लिए और उसका किस तरह से उसका बेहतर रूप से उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, इस पर चर्चा की।
ऊना में हमने एक जो है OWC जो है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर है उसको इंस्टॉल करवाया है और लगभग आने वाले एक माह में उसको फुली ऑपरेशन करके जो है जो जितना भी वेट वेस्ट हमारा कलेक्ट होता है ऊना में उससे हम जो है ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे। सिमिलर लाइंस पे महतपुर में भी ऑलरेडी कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, हम सभी इस चीज़ के लिए बड़े प्रतिबद्ध है कि किस तरह से ऊना को जो है स्वच्छ ऊना की तरफ हम लेके जाएं और पंचायत स्तर पर साफ सफाई जो और वेस्ट की प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकें। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।